नमस्ते, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हम देखेंगे नेक्सस मॉल इन मैसूर, नेक्सस सिटी सेंटर मॉल का फुल अपडेट एंड फुल व्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी व्लॉग में। नेक्सस मॉल एक बहुत ही बड़ा मॉल है, मैसूर का ये नेक्सस मॉल मैं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मैं गई थी मैसूर में घूमने के लिए और जिस होटल में मैं ठहरी हुई थी उससे लगभग 10 मिनट्स का ही वॉकिंग डिस्टेंस था, तो इस वजह से पूरा एक्सप्लोर किया मैंने और आपके साथ भी शेयर करूँगी। मैं जस्ट 2 डेज के ट्रिप पे मैसूर गई थी और मैसूर पे मैं ठहरी हुई थी होटल रिगेलिया इन एंड स्वीट्स। होटल रिगेलिया इन एंड स्वीट्स का फुल व्लॉग जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं इस होटल के बारे में। इस होटल से नेक्सस सिटी सेंटर मॉल जो है वो बिल्कुल 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में था, तो इस वजह से मैंने यू नो एक्सप्लोर किया इस नेक्सस सिटी सेंटर मॉल को। वैसे मैं एक बात बता दूं, नेक्सस सिटी सेंटर मॉल मैसूर का बहुत ही बड़ा एक मॉल है। आप इंटीरियर देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से यू नो इंटीरियर सजाया गया है, वैसे ही एग्जीक्यूट किया गया है मॉल्स को। बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स थे वहाँ पे, वन प्लस का शोरूम आप देख ही सकते हो। और मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है कि कौन कौन से ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल है, किस तरीके से मॉल को एग्जीक्यूट किया गया है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, कौन से शॉप्स अवेलेबल है, एवरी डिटेल्स यहाँ पे मैं देने वाली हूँ। तो लगभग 3 से 4 माला का ही ये यू नो मॉल है। यहाँ पे एवरी यू नो हाई ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। वैसे आपको कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स भी अवेलेबल है, आप देख ही सकते हो। लिफ्ट, एक्सकेलेटर और सीरियो का उपलब्ध है यहाँ पे, तो आप जो भी ब्रांड्स यू नो पॉपुलर ब्रांड्स है वो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा घूमते घूमते। यहाँ पे कुछ इंटीरियर कुछ जिस तरीके से सजाया गया था मुझे अच्छा ही लगा, मिनिमल है बट लेकिन बहुत स्वीट लगा मुझे, तो आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। कलर एसेंस ब्रांड का आप यू नो कॉस्मेटिक्स आप देख सकते हो, शुगर का देख सकते हो। यहाँ पे एक छोटा छोटा काउंटर देके उन लोग रखे हुए थे, तो आप वहाँ से कॉस्मेटिक्स शॉपिंग कर सकते हैं। मामा अर्थ का एक शॉप था जहाँ से आप मामा अर्थ का अगर प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो एवरीडे बेसिस में, आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। बाटा का जो शोरूम था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंटीरियर था बाटा का। और बाटा के जो भी न्यू लॉन्चेस थे, पुराने तो थे ही, जो एवरीडे गोइंग के लिए जो होता है हमेशा वो तो था ही, प्लस न्यू लॉन्चेस भी अवेलेबल थे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और जब मैं गई थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑफ चल रहा था, इसलिए लोग यू नो जो टूरिस्ट आए थे वो भी ख़रीदारी कर रहे थे, नॉर्मल पीपल्स तो थे ही। तो चलिए चलते हैं आके और दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। मॉल को घूमते घूमते जस्ट मुझे दिखा जॉकी का एक शोरूम जहाँ पे मेंस वेयर, किड्स वेयर एंड लेडीज़ वेयर सब अवेलेबल थे और न्यू कलेक्शन था बिल्कुल। उसके पास में ही इंक 5 का शोरूम था, यहाँ पे आपको सेल फ्लैट 40% ऑफ में यू नो शूज़ वगैरह मिल रहे थे। मैंने एक बार ही चेक किया था लेकिन मुझे उस टाइम नहीं लेना था शूज़ क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा इस वजह से, नहीं तो 40% फ्लैट इंक 5 का कौन ही लॉस करना चाहेगा। और एक शॉप दिखा मुझे जहाँ पे वुडन चीज़ अवेलेबल थे, आप घर के लिए यू नो किसी को गिफ्ट करने के लिए, गिफ्ट पर्पज़ के लिए या अपने लिए ऐसे ले सकते हो। मिंत्रा का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जिसका नाम है रोडस्टार, उसका शोरूम दिखा मुझे, सेल में था बाय टू गेट टू फ्री। एंड उसके बाद H&M का भी एक बहुत बड़ा शोरूम था और कलेक्शन बहुत ही वाव थे। चेरीज पाइनएप्पल, ड्राई पाइनएप्पल, ड्राई मैंगो, ड्राई केवी, किवी, इधर रोज़बेरी,
क्लोथिंग शॉपिंग तो सबको ही करते हैं, लेकिन इस बार मैंने क्लोथिंग शॉपिंग नहीं की, मैंने किया शॉपिंग ये है सारे ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, नेचुरल फ्रूट्स को भी ड्राई करके प्रिजर्व करके उन लोग जो बेचते हैं, जो कि हम केक्स वगैरह या फिर कुछ भी बेकिंग चीज़ में यूज़ करते हैं, वो उस सारी चीज़ों की शॉपिंग मैंने की। उसके बाद मैं चली गई थी फूड कोर्ट में, बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो इस वजह से फूड कोर्ट का एक नज़ारा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जो भी ब्रांड्स आप हमेशा देखते हो, खाते हो, सारे ब्रांड्स ही थे, लाइक KFC, डोमिनोज, सबवे वगैरह वगैरह। ऊपर जो आप देख रहे हो ना, उस तरफ था मूवी थिएटर, तो आप वहाँ पे मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं। घूम घूम के फूड कोर्ट में आराम से आपके चॉइस के मुताबिक आप आराम से अपना चॉइस का खाना आप खा सकते हो। मैंने चूज़ किया था चाइनीज़, क्योंकि मुझे चाइनीज़ खाने का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। तो हमने दो ड्रिंक्स लिए थे, एक है कीवी ड्रिंक एंड सेकंड वन इज़ स्ट्रॉबेरी ड्रिंक, और चाउमीन मैंने ऑर्डर किया था, चिकन चाउमीन। तो बस जो नेक्सस सिटी सेंटर मॉल का ये व्लॉग जो है वो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। और कुछ चॉकलेट्स मैंने लिए थे, ये स्विट्ज़रलैंड का चॉकलेट्स था, और मार्शमेलो तो ऑफ कोर्स सभी का फेवरेट ही होता है, तो वो मैंने लिया था इस वाले शॉप से विथ ड्राई फ्रूट्स। यही दिखाते हुए आज का व्लॉग जो है यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। तो बस यही दिखाते हुए होटल की तरफ रवाना हो गई मैं। होप कि आपको आज का मेरा नेक्सस सिटी सेंटर मॉल मैसूर का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को विद बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।